नए लुक में रामगंज से रांची पहुंचे राहुल गांधी। सुबह 8 बजे के करीब राहुल गांधी अपने काफिले के साथ रामगढ़ के गांधी चौक पहुंचे। यहां भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोग राहुल गांधी के इंतजार में खड़े थे। राहुल गांधी ने चौक पर पहुंच खुली जीप से अपना काफिला शुरू किया। राहुल ने स्कूली बच्चों को अपनी गाड़ी पर बैठाया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। वहां से उनका काफिला सुभाष चौक की ओर बढ़ा। रास्ते में लोगों की बड़ी भीड़ राहुल गांधी को देखने के लिए खड़ी थी। इस दौरान राहुल गांधी ने नीली टोपी पहनी थी। नीली टोपी लगाए बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी नए नए अंदाज में दिख रहे हैं। कभी किसानों से, कभी श्रमिकों से, तो कभी बच्चों से बातचीत करते हुए, उनकी परेशानी जानने का प्रयास करते हुए यात्रा के दौरान राहुल गांधी दिख रहे हैं। रामगढ़ से रांची जाने के दौरान भी कुछ ऐसा ही राहुल गांधी ने किया। उन्होंने रामगढ़ की ओर से साइकिल पर कोयला लोड कर रांची जाते हुए कुछ मजदूरों को देखा। इसके बाद राहुल गांधी अपनी ओपन लाल जीप से उतरकर लगभग 200 किलो कोयला लोड साइकिल खींची। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये काफी कठिन काम है। राहुल गांधी ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे 5 फोटो लगाकर पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि साइकिल पर 200 किलो कोयला लेकर रोज 30-40 किलोमीटर चलने वाले इन युवकों की आय ना मात्र की है। बिना इनके साथ चले, इनके भार को महसूस किए, इनकी समस्याओं को नहीं समझा जा सकता। इन युवा श्रमिकों की जीवन की गाड़ी धीमी पड़ी है तो भारत निर्माण का पहिया भी थम जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर राहुल गांधी द्वारा साइकिल पर लदे कोयले की तस्वीर खींचकर फोटो डालने के बाद सैकड़ों लोगों ने रिएक्शन दिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।